देवी उपासना और आराधना का क्रम जारी है। संस्कार धानी के शक्तिपीठों में धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। देवी भक्त माँ भगवती की पूजा अर्चना कर सबके लिए सुख और समृद्धि का वरदान मांग रहे हैं। पूरा शहर धर्म धानी बना हुआ है। गढ़ा पंडा जी की मढ़िया में चैत्र नवरात्रि की धूम है। गोंडवाना कालीन इस मढ़िया में सुबह से जल ढारने वाली महिलाओं का तांता लग जाता है, जो दिन भर चलता है। लघु काशी कहे जाने वाले गढ़ा क्षेत्र के इस ऐतिहासिक देवी मंदिर के प्रति लोगों में गहरी आस्था है। चैत्र नवरात्रि में देवी भक्त माँ भगवती की उपासना कर शक्ति का वरदान मांग रहे हैं, ताकि जीवन की कठिनाइयों पर आसानी से विजय हासिल कर सकें। कहते हैं पूजन अर्चन का ये सिलसिला सैकड़ों वर्षों पुराना है। हमारे बुजुर्ग बोलते थे हजारों साल पुरानी मंदिर है, और हम ही लोग पूरा सेवा करते आ रहे हैं, बाप दादे पीढ़ी भाई पीढ़ी क्रम भाई। और यहाँ का अष्टमी का महत्व बहुत ज़्यादा है। माता जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, और नवमी को भव्य जलूस बनता है, और इसमें हमारा परिवार सम्मिलित होकर इस काम को सम्पन्न करता है। कहते हैं मढ़िया में शिला रूप में विराजमान माँ भगवती अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के समय किया गया पूजन अर्चन विशेष फलदायी होता है। रामपुर बेन मोहल्ले में सफाई व्यवस्था चौपट है। कई कई दिनों तक कचरा नहीं उठने से लोग परेशान हैं। वहीं कच्चे नाले के कारण क्षेत्र के 400 से ज्यादा परिवार मुसीबत झेल रहे हैं। बदबू और सड़ांध ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक तरफ स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर शहर के पॉश इलाकों में दिन में 2-3 बार झाड़ू लग रही है और कचरा उठ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ गरीब बस्तियां ऐसी हैं जो नियमित सफाई व्यवस्था के लिए तरस रही हैं। रामपुर बेन मोहल्ला भी ऐसे ही उपेक्षित इलाकों में से एक है, जहां न रोज झाड़ू लगती है और न ही प्रतिदिन कचरा उठाया जाता है। यहाँ सफाई व्यवस्था चौपट है, जगह जगह लगे कचरे के ढेर लोगों को बीमार कर रहे हैं। नाले में इतना मच्छर पैदा हो रहा है, ना यहाँ कभी दवाई डाली जाती है आके, और ना यहाँ का कचरा उठाया जाता है। और आती है मशीन तो कचरा और निकाल के वहीं ढेर लगा के चली जाती है। और ये गर्मी का टाइम है, और पूरा मच्छर इतने शाम को पैदा होते कि यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको नुकसान हो रहा है मच्छरों से। ये कम से कम यहाँ 300-400 लोगों की बस्ती। कचरा के सामने का घर है, बिल्कुल कचरा पूरा सामने रखा रहता है। उठता नहीं है कचरा, उठता नहीं है कचरा, रखा ही रहता है कचरा, दवाई भी नहीं डालती है। बेन मोहल्ले का कच्चा नाला भी नासूर बना हुआ है। इसे पक्का करने की मांग कई बार की गई, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। ये नाला कई वर्षों से पता नहीं आगे कोई कंपनी वाला लगा के रखा हुआ, कंपनी का डिलेटिंग का पानी जो है एसिड वाला, इसमें कई वर्षों से बह रहा है। इसमें हमने काफी समय से मांग करते चले आ रहे कि इस नाले का निर्माण हो, ताकि इससे गंदगी न फैले और कोई बीमारी जघन्य बीमारी इससे फैलने ना पाए। लेकिन कई बार अवगत कराने के बाद भी आज तक ये नाले का निर्माण नहीं हुआ। सफाई कर्मचारी आते हैं तो वो JCB के नाम पे सिर्फ आधे घंटे कचरा निकाला, और वो कचरा निकाल के वहीं ढेर लगा देते हैं। उनको बोलो कि भैया ये कचरा उठा के ले जाओ, तो महीनों पड़ा रहता है, और वो कचरे की गंध से पूरी बस्ती में बदबू फैलती है, और अन्य बीमारियां भी फैलने का डर है। गरीब बस्ती में रहने वालों का कहना है कि हमसे भी संपत्ति कर, जल शुल्क और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का पैसा वसूला जाता है, फिर हमें क्यों सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। गर्मी की शुरुआत होते ही जिले में अग्नि हादसों में भी बढ़ोतरी होने लगती है। खेत खलिहानों और कचरों में आग लगने के मामले लगातार दमकल विभाग तक पहुंच रहे हैं। बीते 2 दिनों में आधा दर्जन से ज्यादा आग लगने की घटनाएं दमकल विभाग में दर्ज हुई। इस हादसों पर दमकल कर्मियों ने काबू पाया। गर्मी की शुरुआत के साथ ही जिले में अग्नि हादसे भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। खासतौर पर खेत खलिहानों और कचरों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। बीते 2 दिनों में ग्रामीण इलाकों में खेत खलिहानों और शहरी क्षेत्रों में कचरे में आग लगने के कई मामले दमकल विभाग के सामने आए। एक दिन पहले यानी 2 अप्रैल को कटंगी जबेरा पौड़ी खुर्द में खेत में आग लगने से 30 एकड़ की फसल स्वाहा हो गई। इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में आग लगने की कई छोटी बड़ी घटनाएं भी सामने आई हैं। सूचना मिली थी पौड़ी खुर्द जबेरा जिला दमोह, ये 30 एकड़ की करीबन फसल थी इसमें, जो आग लगने से पूरी तरह जल गई। और इसमें जो फसल में जला है 30 एकड़ में, इसमें कम से कम 30 पाइप
तीन मोटर और 30 एकड़ की खड़ी फसल रही जो कि जल के खत्म हो गई। दमकल कर्मियों ने अग्नि हादसों की इन घटनाओं पर काबू पाया और कई स्थानों पर आग लगने से होने वाले नुकसान को रोकने का काम किया। देश की 700 से अधिक जनजातियों के विकास के लिए संविधान निर्माताओं ने आरक्षण और अन्य सुविधाओं का प्रावधान किया था, लेकिन वर्तमान में उन सुविधाओं और आरक्षण का लाभ उन जनजातियों के स्थान पर ऐसे व्यक्ति उठा रहे हैं जो अपनी जाति को छोड़कर धर्मांतरित होकर अन्य जातियों में शामिल हो चुके हैं। जनजाति सुरक्षा महाकौशल मंच ने सरकार से धर्मांतरित व्यक्तियों को जनजाति की सूची से बाहर करने की मांग की है। जनजाति सुरक्षा मंच महाकौशल प्रांत के प्रांत रोती सदस्य सोहन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि उनका संगठन इस विषय को विभिन्न मंचों के माध्यम से लगातार उठा रहा है और उनके मंच के द्वारा सरकार से सिर्फ एक मांग की जा रही है कि धर्मांतरित जनजातियों के आरक्षण को समाप्त किया जाए। जो धर्मांतरित जनजातियां हैं, आरक्षण का 80% आरक्षण का लाभ धर्मांतरित 20% जनजातियां उठा रही है, धर्मांतरित जनजातियां उठा रही है। साथियों, इससे अवगत कराया सांसदों से, माननीय सांसदों को, चाहे वो हमारे 90-95% सांसदों का हमको समर्थन प्राप्त है और हम सब आने वाले समय में सदन में जब ये आएगा तो हमारे माननीय सांसदों का हम सबको इस विषय पर समर्थन, एक बहुत बड़ा समर्थन हम सबको प्राप्त होने वाला है। कटंगा क्षेत्र में खुल रही शराब की दुकान का विरोध लगातार जारी है। शराब दुकान के विरोध में क्षेत्रीय लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान खोले जाने से उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में उन्होंने जिला प्रशासन से शराब दुकान कहीं और शिफ्ट करने की मांग की है। शराब दुकान के विरोध में रविवार को भी कटंगा क्षेत्र की महिलाओं और क्षेत्रीय लोगों ने प्रदर्शन किया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। महिलाओं और क्षेत्र के लोग लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि शराब दुकान को अन्य किसी जगह स्थानांतरित किया जाए। गौवंश की तस्करी और पशु क्रूरता के संदेह को लेकर कुछ लोगों ने अंधमोग बाईपास पर गौवंश से भरे वाहनों को रोक लिया। इस दौरान हंगामे की स्थिति भी निर्मित हुई। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जब छानबीन की गई तो पता चला कि गायों को बुरहानपुर स्थित एक आश्रम से अमरकंटक भेजा जा रहा था और प्रशासन से परिवहन संबंधी अनुमति भी ली गई थी। पुलिस ने तस्दीक करने के बाद वाहनों को रवाना किया। धनवंतरी नगर अंधमुख बाईपास के पास रविवार को गायों और गौवंश का परिवहन कर रहे वाहनों को कुछ लोगों ने रोक लिया। गौवंश की तस्करी और पशु क्रूरता के संदेह के आधार पर ट्रकों को रोका गया। इस दौरान हंगामा शुरू हो गया। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि गायों को जिला प्रशासन की अनुमति से बुरहानपुर से अमरकंटक स्थित एक आश्रम में स्थानांतरित करने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने पूरे मामले की तस्दीक करते हुए वाहनों को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया। हमने इसको वेरीफाई किया है और इसमें किसी प्रकार की कोई घटना या दुर्घटना नहीं हुई है और ना ही पशुओं के साथ कोई क्रूरता की गई है। सभी वेरीफाई करने के बाद जो है इनको छोड़ा गया। आंवला फार्मिंग करने वाले एक शख्स ने शहर के डॉक्टर दंपति से 12 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी ने डॉक्टर फैमिली को एक जमीन दिखाई और उस जमीन को अपना बताकर उसे बेचने का एग्रीमेंट करते हुए 12 लाख रुपए ले लिए थे। इस मामले की शिकायत आने के बाद उमती पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। डॉक्टर ललित कुमार बाबेल, श्रीमती ज्ञान बाबेल और उनके पुत्र गौरव बाबेल के साथ नीरज कुमार ने दूसरे की जमीन दिखाकर एग्रीमेंट करके 12 लाख रुपए लिए थे, जो इनकी रिपोर्ट पर, तीनों की रिपोर्ट पर अपराध धारा 420 का कायम किया गया था और कल नीरज कुमार को गिरफ्तार कर और आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा उनकी जमानत स्वीकार न करते हुए उनको जेल भेज दिया। ओमती थाना क्षेत्र नौदरा ब्रिज से दिनदहाड़े युवती का अपहरण करने के मामले में गिरफ्तार किए गए पवन उर्फ छोटू जायसवाल और उसके साथी शुभम रजक को ओमती पुलिस ने न्यायालय में पेश कर न्यायालय के निर्देश पर जेल भेज दिया। अपहरण के इस मामले में दो फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है।
गौरतलब है कि शुक्रवार की दोपहर उमती थाना क्षेत्र नौदरा ब्रिज से दिन दहाड़े एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी छोटू उर्फ पवन जायसवाल और उसके साथी शुभम रजक की गिरफ्तारी की थी। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कल प्रिंस उर्फ छोटू जायसवाल और शुभम रजक को गिरफ्तार किया गया। आज दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया था, जो दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया। दो आरोपी और फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आंखों के निशुल्क उपचार के मामले में तिलवारा घाट स्थित देवजी नेत्रालय ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। संस्थान के संचालक मंडल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 5 वर्ष के दौरान 16 जिलों के करीब 16 लाख लोगों का नेत्र परीक्षण किया जा चुका है और 1.25 लाख लोगों के निशुल्क ऑपरेशन किए जा चुके हैं। मरीजों का ऑपरेशन, परिवहन, भोजन, दवाएं और चश्मा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। दादा वीरेंद्र पुरी जी नेत्र संस्थान देवजी नेत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने पर संस्थान का संचालक मंडल पत्रकारों से रूबरू हुआ और अपनी उपलब्धियां सबके सामने रखें। संस्थान के डायरेक्टर्स ने बताया कि तिलवारा घाट स्थित देवजी नेत्रालय में आंखों का निशुल्क उपचार किया जाता है। अब तक 1.25 लाख नेत्र रोगियों के निःशुल्क उपचार किए जा चुके हैं। संस्थान में रेटिना, एम्यूलोप्लास्टी, मोतियाबिंद, कांचियाबिंद, कार्निया ट्रांसप्लांट, नेत्र प्रत्यारोपण सुविधाएं उपलब्ध हैं। नेत्रदान और नेत्र प्रत्यारोपण की दिशा में भी संस्थान कई उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। इन 5 वर्षों में 1,25,000 के ऊपर नेत्र के निशुल्क ऑपरेशन हो चुके हैं। 16 लाख के ऊपर ऐसा करीब 2,000 शिविर लगाकर 16 लाख के ऊपर नेत्र परीक्षण किए जा चुके हैं। लगातार यहाँ पर मरीजों के आने का क्रम जारी है। जबलपुर के आसपास के 16 जिलों में यह नेत्र चिकित्सा सेवा का कार्यक्रम चल रहा है। परम पूजनीय गुरुदेव दादा वीरेंद्र जी के आशीर्वाद से, उनके असीम अनुकंपा से निरंतर चलते हुए इस कार्यक्रम में अब सुपर स्पेशलिटी नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर रेटिना के ऑपरेशन, ग्लोकोमा के ऑपरेशन, कैटरेक्ट के ऑपरेशन, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, स्क्विंट, सभी तरह के नेत्र के ऑपरेशन जिसके लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ता था, वह नेत्र ऑपरेशन आज देवजी नेत्रालय में सुलभता से सबको उपलब्ध है। देवजी नेत्रालय के संचालकों का कहना है कि अंधत्व मुक्त भारत अभियान को सफल बनाना उनका मकसद है और उनकी कोशिशें निरंतर जारी रहेंगी। मुंबई से बिहार के बीच चलने वाली पवन एक्सप्रेस नासिक के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस ट्रेन हादसे के बाद पश्चिम मध्य रेल से गुजरने वाली कई गाड़ियां भी प्रभावित हुई हैं। ट्रेन हादसे के बाद कई गाड़ियों के मार्ग भी परिवर्तित कर दिए गए हैं। वहीं पश्चिम मध्य रेल जोन ने यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। पश्चिम मध्य रेल ने जबलपुर, भोपाल, इटारसी, सतना, कटनी, मैहर के यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। हादसे के चलते पश्चिम मध्य रेल जोन से गुजरने वाली करीब 8 यात्री गाड़ियों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।